वेलकम बैक माई ट्यूब फैमिली, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज हम लोग लेकर के आ चुके हैं बियर्डो की तरफ से आने वाला D10 कैफीन फेस स्क्रब। तो हम लोग आज बात करेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों नहीं लेना है। चलिए पहले बात करते हैं हमारा बॉक्स का। कुछ इस टाइप से आपको कंटेनर मिलता है, टब टाइप कंटेनर मिलता है। इसका प्राइस इसमें लिखा हुआ है 350, जो कि मुझे पड़ा था अराउंड 300 के आसपास का मुझे मिल गया था। ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है अपने प्राइस का। प्राइस छोड़ो, ऐसे भी किसी को कोई देगा तब भी कोई वर्थ का नहीं है हमारा ये स्क्रब। ये स्क्रब है हमारा कैफीन का, इसमें कॉफ़ी यूज़ हुई है और कुछ वॉलनट्स यूज़ हुए हैं। तो बताता हूँ आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुआ है। तो इंग्रेडिएंट्स में इसमें आपको पड़ा हुआ है अल्कोहल पड़ा है, स्टेरिक एसिड पड़ा है, 100 ग्राम्स ऑफ ऑर्गलिसरीन पड़ा है, PG पड़ा है, DM वाटर पड़ा है, स्क्रबिंग बीट्स पड़ी है, फ्रेगनेंस पड़ी है, आर्टिफिशियल ऑयल पड़ा है, शुगर है, कैफीन है, कॉफ़ी सीड्स पड़ी हुई हैं, सोडियम पड़ा हुआ है और काफ़ी सारा फालतू का मटेरियल पड़ा हुआ है इसमें। आपको ये बिल्कुल भी नहीं लेना है। रीज़न ये है, ना ही ये D10 का काम करता है और ना ही ये स्क्रब का काम करता है। इससे अच्छा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बेला वीटा का स्क्रब लीजिए जा करके, जो कि आपको 250 का पड़ जाएगा। इससे बहुत 10-12 गुना अच्छा है। बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इसको। बियर्डो कंपनी के नाम था इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ले लिया था, अराउंड 1 साल पहले मैंने मंगाया इसको, तब से ये ऐसे ही पड़ा है। अभी खोल के दिखाता हूँ आपको मैं, एक मिनट बस। इसमें अच्छा क्या है, अच्छा केवल इसकी फ्रेगरेंस है, क्योंकि तो इन्होंने आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस ऐड की हुई है। ये कुछ इस टाइप से है। स्क्रब के नाम पे इसमें थोड़ा सा कुछ पड़ा हुआ है कैफीन का, कॉफ़ी के पार्टिकल्स थोड़े बहुत पड़े हुए हैं, जो कि वो भी डिसॉल्व हो जाते हैं जब आप इसको रब करेंगे तो स्किन में डिसॉल्व हो जाता है। आहा, टेबल पे लग गया। तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, मैं एकदम रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इसको। लगाने के बाद आप अगर इसको लगाने के बाद आपको फेस वॉश भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये फेस पे स्टिक हो जाता है तो ऑयली ऑयली लगता है, तो फेस से निकलता नहीं है जल्दी। आप फेस वॉश करेंगे इसको लगाने के बाद, तो इसका जो ये मटेरियल है लिक्विड वाला वो फेस पे लगा ही रहता है, तो उसको हटाने के लिए आपको अलग से फेस वॉश भी करना पड़ेगा। इसलिए वर्स्ट D10 स्क्रब है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मैं अभी इसका जो मॉइस्चराइज़र मैंने साथ में लिया था D10 का, उसका भी रिज़ल्ट तो मुझे मिला नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। D10 तो बिल्कुल नहीं करता। उससे अच्छा आप उस तरह की एक क्रीम आती है D10 क्रीम, उसका मैं रिव्यू डाल दूंगा एक मिनट। ये है हमारी उस तरह की D10 क्रीम। तो आप इसको ले सकते हैं D10 के लिए, बट ना इसको ले सकते हैं और ना ही जो बियर्डो का आता है D10 मॉइस्चराइज़र। दोनों ही एकदम घटिया प्रोडक्ट है। तो हमारी तरफ से अ बिग डिसलाइक टू दिस बियर्डो D10 फेस स्क्रब। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Keep supporting.